दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, हमारे पास ये एक इंच की GI पाइप है, तो इसके हम एक किनारे पर चूड़ियाँ काटने वाले हैं एडजस्टेबल डाई से। तो ये हमारे पास एडजस्टेबल डाई है, ऑयलिंग कैन और ये पाइप वाइस है। तो दोस्तों ये लुब्रिकेशन के लिए ऑयल कैन है। तो अब हम पाइप को पाइप वाइस में फिट करेंगे। फिट करने के बाद हमने एक इंच की डाई सिलेक्ट कर ली है और इस तरह से पाइप को डाई में एडजस्ट करेंगे जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों ये जो एडजस्टिंग के लिए बोल्ट हैं तो इनको हम अपनी सुविधा अनुसार टाइट या ढीला कर सकते हैं ताकि पाइप पर आसानी से चूड़ियाँ काटी जा सकें। दोस्तों ये बहुत ही पुराना मेथड है पाइप पर चूड़ियाँ काटने का। तो अभी हमारे ये देविंदर सर चूड़ियाँ काट रहे हैं, ये फिटर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर हैं। तो देखिए इस तरह से अब हमने एक बार में चूड़ियाँ काट ली हैं। तो अब इनको और गहराई के साथ काटने के लिए इसको फिर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे एडजस्टेबल डाई को, और ये जो एडजस्टिंग बोल्ट हैं इनको इसको टाइट करेंगे ताकि पाइप पर चूड़ियाँ गहराई के साथ काट सकें। तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से अब हम जो पाइप डाई है एडजस्टेबल इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ये हमारे देविंदर सर ये सारा प्रोसीजर आपको करके दिखा रहे हैं। साथ में दोस्तों ये ऑयल कैन है लुब्रिकेशन के लिए। दोस्तों इस मेथड में पाइप पर चूड़ियाँ काटने के इस मेथड में ज़्यादा जोर लगता है, इस तरह से आप देख रहे हैं। अब एक और लड़का ट्राई कर रहा है तो ज़्यादा टाइट कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा इसने ढीला किया और फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो चूड़ियाँ देखिए चूड़ियाँ कट चुकी हैं गहराई के साथ, जितनी गहराई के साथ काटेंगे उतनी अच्छी लगेगी। तो अब हमने निकाल दिया है पाइप डाई को, तो उसको साफ़ कर लेते हैं कपड़े से। तो देखिए साफ़ करने के बाद ये चूड़ियाँ इस तरह से हमें नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों ये पुराना मेथड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे रैचेट टाइप डाई से चूड़ियाँ निकालेंगे।